वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे वी कंटिन्यू चैप्टर 8 और जो पिछले दिन हम लोगों ने पढ़ा था डू योगा, योग करो, तो उसके कुछ स्टोरीज को हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो उसको रिवाइज करते हुए हम लोग थोड़ा सा पीछे से हल्का रिकॉल करते हुए और फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ दशकों से जो है लोग जो हैं वो हेल्थ के बारे में काफ़ी कंसर्स होते जा रहे हैं, जागरूक होते जा रहे हैं, सचेत हो रहे हैं अपने आप में, है ना। ओके, एंड हैक्टिक लाइफ स्टाइल एंड टॉक्सिक ईटिंग प्रैक्टिस हैव बीन मेड आवर जनरेशन ए वेरी अनहेल्दी वन। ठीक है, और क्या है कि जो विषाक्त भोजन है, और जो बिजी लाइफ स्टाइल है ना, यानी एक व्यस्त जीवन शैली में और जो विषाक्त भोजन है उसका जो प्रैक्टिस है हम लोगों को, वो हम लोगों को काफी क्या कर दिया है, बहुत ही अस्त व्यस्त कर दिया है ना, अस्वस्थ बना दिया है। People have started realizing that nothing can replace his healthy mind and body. और लोग को ये महसूस हो चुका है अब, है ना, कि और ये या महसूस ये महसूस करना शुरू कर दिए हैं कि एक हेल्दी माइंड और बॉडी को जो है कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, कोई बदल नहीं सकता है। As a result, more and more more people are going to gyms, running marathons and in general taking part in more physical activities, है ना? और परिणाम स्वरूप जो है लोग अधिक से अधिक लोग जो है अब जिम जाना स्टार्ट कर दिए, है कि नहीं, मैराथन में भाग लेना शुरू कर दिए, है ना, और इन जनरल और सामान्य तौर पर टेकिंग ए पार्ट मोर फिजिकल एक्टिविटीज, और जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं सारी गतिविधियां हैं उसमें ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। While all the activities will definitely help you in the getting a fit body, they do not ensure a healthy mind. है ना? While all the activities, जबकि ये सभी गतिविधियां, while all these activities, है ना? जबकि ये सारी गतिविधियां जो हैं, निश्चित रूप से definitely help you, निश्चित रूप से आपकी जो है आपके फिट शरीर पाने में मदद करेंगे, है ना, और डेफिनेटली हेल्प यू इन द गेटिंग ए फिट बॉडी, दे डू नॉट इंश्योर योर हेल्दी माइंड, दे डू नॉट इंश्योर यू ए हेल्दी माइंड। तो ये आपको जो है निश्चित रूप पे आपका एक जो गेट फिट बॉडी जो है वो देगा, है ना, लेकिन इस बात को वो इंश्योर नहीं करता है कि एक आपको हेल्दी माइंड देगा, है ना, एक स्वस्थ दिमाग। लॉन्ग ऑफिस आवर्स, राइजिंग पॉल्यूशन, स्ट्रगल्स ऑफ डेली लाइफ ऑफन रॉब्स अस ऑफ द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी दैट द माइंड नीड्स फंक्शन प्रॉपरली। अब हम लोग क्या देखते हैं कि लंबे ऑफिस में लंबे लंबे टाइम पे तक काम करना, अधिक देर तक काम करना, है ना, पॉल्यूशन का बढ़ना, ठीक है, जो हमारे जीवन का जो स्ट्रगल्स है डेली का, वो संघर्ष है ना, ये सब क्या है, दैट द माइंड्स नीड टू फंक्शन प्रॉपरली, सॉरी, स्ट्रगल्स ऑफ डेली लाइफ ऑफन रॉब्स ऑफ दिस पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ये सब हमारे शांति को शांति से भंग कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, है ना, वो लूट रहे हैं शांति से, हमारी शांति को लूट रहे हैं। ऑफिस में लंबे लंबे टाइम तक काम करना, है ना, और पॉल्यूशन का बढ़ना, और उसके बाद जो हम लोग का रोज का संघर्ष है, डेली लाइफ का जो स्ट्रगल्स है, ये सब चीजें हम लोग को लूट रही है शांति से, हमारे शांति को लूट रहा है, ठीक है। उसके बाद पीस एंड ट्रैंक्विलिटी दैट माइंड नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है, जो कि मन को ठीक से काम करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। पीपुल ऑफन गो अवे फ्रॉम सिटीज टू स्पेंड टाइम इन नेचर टू फाइंड पीस बट नॉट पॉसिबल टू डू दैट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और लोग जो है शहर से
दूर कहीं पे समय बिताने के लिए, दिमाग की शांति के लिए, और नेचर के पास विदर स्पेंड टाइम विद नेचर यानी प्रकृति के साथ समय बिताने के लिए वो अपने शहर से कहीं दूर चले जाते हैं, समय अपने समय को बिताने के लिए, समय टाइम स्पेंड करने के लिए वो शहर से बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन वो ज़्यादा दिन तक वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो वहाँ पे रहना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, फिर हमको लौट के वहीं आना है। द मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ गुड हेल्थ, है ना? तो द मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट द हेल्दी ऑफ गुड हेल्थ, यानी जो है बीमारी मात्र यानी बीमारी की मात्र अनुपस्थिति, बीमारी की जो अनुपस्थिति है केवल वो आपका आपके लिए एक अच्छे स्वास्थ्य का डिफिनेशन नहीं है, एक अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। ये नहीं कि आपके पास अगर कोई बीमारी नहीं है तो आप अच्छे स्वास्थ्य आपके पास है, ये एक अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। द मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट द डिफिनेशन ऑफ गुड हेल्थ, है ना? यानी आप किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है, आप किसी बीमारी से एब्सेंस हैं, एब्सेंट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके गुड हेल्थ का ये डिफिनेशन है। देर आर थ्री फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर द ओवरऑल वेल बींग ऑफ ए पर्सन। अब तीन फैक्टर्स हैं, तीन कारक हैं लोगों के कल्याण के लिए, जैसे बॉडी माइंड एंड सोल, दिस इज वेयर योगा हेल्प्स। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर की जो है ज्ञान मन के जा सॉरी तुम क्या बोले थे, द जो द मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज नॉट द डेफिनेशन ऑफ गुड हेल्थ, देर आर थ्री फैक्टर्स, है ना? देर आर थ्री फैक्टर्स टू बी कंसिडर ओवरऑल बींग ओवरऑल वेल बींग ऑफ ए पर्सन। ठीक है ना, यानी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए, व्यक्ति के समग्र विकास के लिए जो है ना क्या है, और कल्याण के लिए किए जाने वाले तीन कारक हैं, जैसे बॉडी माइंड एंड सोल, शरीर दिमाग और आत्मा, दिस इज वेयर योगा हेल्प्स, जहां की योग आपको मदद करता है। ठीक है ना, इफ द नीड्स ऑफ दिस थ्री क्रूशियल एलिमेंट्स आर मेट, ए पर्सन टेंड्स टू लाइव ए फुलफिलिंग लाइफ। ठीक है, यानी इफ द नीड्स ऑफ दिस थ्री क्रूशियल एलिमेंट्स आर मेट, ए पर्सन टेंड्स टू लाइव ए फुलफिलिंग लाइफ, यानी यदि इन तीन महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता पूरी हो जाती है ना, यदि इन तीन तत्वों की आवश्यकता पूरी हो जाती है तो एक व्यक्ति को पूरा जीवन जीना पड़ता है ना, और जो है हेल्थ इज ए फिजिकल नीड ऑफ द बॉडी, और स्वास्थ्य जो है क्या है, शरीर की आवश्यकता है। हेल्थ इज द फिजिकल नीड ऑफ द बॉडी, नॉलेज नॉलेज इज द फ्यूल फॉर द माइंड्स, और नॉलेज जो है वो ज्ञान का ईंधन है ना? अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपका दिमाग नहीं चलेगा, ठप पड़ जाएगा। जैसे गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता है तो गाड़ी वहीं रुक जाती है जहां पेट्रोल खत्म हो जाता है, उसी तरह आपका दिमाग में अगर आपके दिमाग में आपके माइंड में अगर नॉलेज नहीं है, आपके पास अगर ज्ञान नहीं है तो आपका दिमाग कहीं चलने वाला नहीं है, आप कुछ नहीं सोच सकते हैं, ना बोल सकते हैं सही से, ना कुछ आप सही से कर सकते हैं, है ना? तो दिमाग को चलाने के लिए, माइंड को यूज में लाने के लिए आपको नॉलेज की आवश्यकता होती है। जब आपके पास नॉलेज होगा तो आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा आपका दिमाग उतना ज्यादा एक्टिव होगा, उतना ज्यादा वो काम करेगा। ठीक है, तो नॉलेज नॉलेज इज द फ्यूल फॉर द माइंड, इनर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी फीड द सोल, और जो है इनर पीस यानी आंतरिक जो है शांति, एंड ट्रैंक्विलिटी फीड द सोल यानी आंतरिक शांति, और शांति आत्मा को खिलाती है, फीड द सोल।
ओनली वेन ऑल दीज Only when all these factors come together can experience complete harmony. Okay, yoga can help in attaining these three crucial goals. यानी केवल जब ये सभी कार्य के एक साथ होते हैं तो एक पूर्ण सामंजस्य का अनुभव हो सकता है, है ना? और योगा जो है इसमें आपको जो है इतना आपको इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में, इन गोल्स को प्राप्त करने में जो है मदद करता है. योगा कैन हेल्प अटेनिंग दिस थ्री क्रूशियल गोल्स. यानी योग जो है इन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है. द वर्ड योगा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत एंड मीन्स टू यूनाइट. और योग वर्ड जो है ये आपके संस्कृत वर्ड से स्टार्ट हुआ है, सॉरी संस्कृत वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, है ना? ओरिजिनेशन इसका जो ओरिजिनेशन है इसकी उत्पत्ति जो है वो संस्कृत से हुआ है. ये संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है यूनाइट, मतलब एक होना, है ना? यूनाइट का मतलब होता है एक होना, है ना? एकजुट होना. योगा एक्सरसाइज हैव ए होलिस्टिक इफेक्ट एंड होलिस्टिक इफेक्ट एंड ब्रिंग बॉडी. ओके, तो योगा अभ्यास जो है एक समग्र प्रभाव होता है शारीरिक और मस्तिष्क चेतना का, माइंड एंड कॉन्शियसनेस इनटू ए बैलेंस. ठीक है, तो योगा एक्सरसाइजेज हैव ए होलिस्टिक इफेक्ट एंड ब्रिंग बॉडी माइंड एंड कॉन्शियसनेस इनटू ए बैलेंस. यानी योग अभ्यासों का एक समग्र प्रभाव होता है ना, इफेक्ट होता है और शरीर मस्तिष्क और चेतना को संतुलन में लाता है. ठीक है, योगा इज मोर देन 10,000 ईयर्स ओल्ड. और योगा जो है 10,000 साल पुराना है. द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ दिस वाइब्रेंट प्रैक्टिस इज फाउंड इन ऋग्वेद. और इसका जो है ना जीवंत जो है प्रथा का सबसे तो यह योग जो है 10,000 साल पुराना है, 10 वर्ष से भी अधिक पुराना है. और इसका जीवंत प्रथा का सबसे पहला उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है. वेद, ऋग्वेद जो है क्या है, ये एक वेद है, हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, जहाँ पे इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है. यानी वहाँ पे वो चीज ऋग्वेद में योग के बारे में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है. ठीक है ना? There are three aspects of yoga. योग के तीन पहलू हैं, three aspects हैं. First is physical postures, यानी आसन हम लोग जिसको बोलते हैं आसन. ठीक है, next है breathing, यानी exercise जिसको हम लोग प्राणायाम कहते हैं, प्राणायाम, है ना? And third जो है meditation जिसको हम लोग ध्यान बोलते हैं. तो योग के तीन aspect हैं, physical posture यानी आसन, और सेकेंड है ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको प्राणायाम बोलते हैं, और ठीक है, एंड थर्ड जो है आपका मेडिटेशन है जिसको हम लोग ध्यान बोलते हैं. ठीक है, उसको ध्यान भी कहा जाता है. तो ये योग के तीन एस्पेक्ट हैं, थ्री एस्पेक्ट्स हैं. ठीक है, और इसके बाद देखिए कि एट द फिजिकल लेवल यानी शारीरिक स्तर पर, ओके, एट द फिजिकल लेवल यानी शारीरिक स्तर पर योगा गिव्स अस रिलीफ फ्रॉम काउंटलेस एलिमेंट्स, है ना? यानी शारीरिक स्तर पर योग हमें अनगिनत, काउंटलेस मीन्स अनगिनत एलिमेंट्स, रिलीफ फ्रॉम काउंटलेस एलिमेंट्स यानी ये अनगिनत बीमारियों से राहत देता है ना? व्हाइल इट इज अननोन हाउ मेनी आसन्स एक्चुअली एग्जिस्ट, 84 आसन्स mentioned in the several ancient texts are considered the most popular. ओके, यानी वाइल इट इज अनोन, हालांकि यह अज्ञात है, अनोन है कि वास्तव में कितने आसन है, हाउ मेनी आसन एक्चुअली एग्जिस्ट, कि वास्तव में कितने आसन है. ओके, कई प्राचीन ग्रंथों में यानी 84 आसन्स मेंशन्ड इन द सेवरल एंशियंट टेक्स्ट, यानी कई प्राचीन ग्रंथों में जो है
84 टाइप्स के जो है योग आसन्स के बारे में बात किए गए हैं और उनको सबसे मोस्ट पॉपुलर माना गया है। 84 आसन्स मेंशन इन द सेवरल एंशियंट टेक्स्ट आर कंसिडर्ड द मोस्ट पॉपुलर, ये सबसे अधिक लोकप्रिय हैं 84 जो आसन्स हैं। ठीक है, आसन्स स्ट्रेंथन द बॉडी एंड द क्रिएट ए फील एंड क्रिएट ए फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। ओके, यानी आसन जो है वो शरीर को मजबूती प्राप्त करता है ना, स्ट्रेंथन करता है बॉडी को। ठीक है, और मतलब मजबूती करते हैं, क्रिएट एंड फील एंड क्रिएट ए फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। ओके, और कल्याण की भावना भी पैदा करते हैं, वेल बीइंग का भावना जो है, फीलिंग जो है वो भी क्रिएट करते हैं। पीपुल ऑफ ऑल एजेस कैन डू योगा एंड इट कैन ऑल्सो बी एडेप्टेड फॉर पीपुल विथ डिसेबिलिटी और स्पेशल नीड्स, यानी सभी उम्र के लोग योग कर सकते हैं और इसे विकलांग लोगों या विशेष जरूरत के लिए भी अनुकूलित किया जा सकता है। ठीक है, आसन्स इनहेंस मस्कुलर स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैन हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी इन शेप। ठीक है, यानी आसन जो है वो मांसपेशियों को शक्ति देता है। आसन्स इनहेंस मस्कुलर स्ट्रेंथ, यानी ये मांसपेशियों को जो है कि शक्ति देता है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, एक दूसरे के बीच जो है कनेक्शन, मतलब जो है रिलेशन जो है उसको भी सही रखता है, कोऑर्डिनेट करते रहता है ना। फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैन हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी इन शेप। ठीक है, और हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल भी रखता है, लचीला बना के रखता है। ठीक है, और एंड कैन हेल्प इन कीपिंग आवर बॉडी इन शेप, और हमारे ये जो शरीर है उसको एक शेप में, एक अच्छे शेप में है ना, अच्छे आकार में रखने में मदद करता है। ठीक है, योगा ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, और शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो होता है और जो कई बीमारियों का जड़ है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक की संभावना होती है ना, हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो जाते हैं, तो उन चीजों को वो जो है कंट्रोलिंग करने का काम करता है योग, तो योग करना चाहिए। योगा हेल्प्स आल्सो इन कंट्रोलिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, राइट, रिड्यूसिंग वेट एंड नॉर्मलाइजिंग ब्लड प्रेशर, और ये आपके वेट को भी कम करता है और आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करता है, यानी एक नॉर्मल करके रखता है। ठीक है, यानी ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप को। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ वन हार्ट्स एंड ब्लड वेसल्स, है ना। तो इट ऑल्सो इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ वन हार्ट्स, यानी किसी के हार्ट्स को, दिल को, है ना, और जो ब्लड वेसल हैं यानी जो रक्त वाहिकाएं हैं जिससे रक्त जो है बॉडी में फ्लो होते रहता है इधर से उधर, है ना, उनको भी ये इम्प्रूव करता है ना, और उसमें भी ये सुधार लाते हैं, उसके भी परफॉर्मेंस में ये सुधार करते हैं। इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ वंस हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। योगा अपग्रेड्स मेंटल हेल्थ टू एज इट शार्पनेस द इंटेलेक्ट एंड बूस्ट कंसंट्रेशन। इट ऑल्सो स्टडीज इमोशंस एंड इनकरेजेज कंपैशन, कंपैशन और कंपैशन फॉर फेलो बींग्स। ओके, तो योग अपग्रेड मेंटल हेल्थ टू, है ना, योग जो है मानसिक जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको भी ये इम्प्रूव करता है ना, अपग्रेड करता है ना, एज इट इज शार्पिन द इंटेलेक्ट द बूस्ट कंसंट्रेशन, है ना। तो योग जो है मानसिक स्वास्थ्य को भी उन्नत करता है, क्योंकि यह बुद्धि तेज को करता है, बुद्धि को तेज करता है ना, और इंटेलेक्ट जो है यानी आपका जो बुद्धि है उसको बूस्ट करता है, उसको तेज करता है और उसको कंसंट्रेशन करता है ना।
यानी एकाग्रता, कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता को वो बढ़ाता है। इट ऑल्सो स्टडीज इमोशंस एंड इनकरेज कंपैशन फॉर फॉलोइंग फॉर फेलो बींग। ठीक है, और उसके बाद यह भावनाओं को भी जगाता है और साथ ही प्राणियों के लिए करुणा को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा आसंस के बारे में कि आसंस करने पर क्या क्या बेनिफिट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राणायाम के बारे में कि प्राणायाम क्या होते हैं। तो प्राणायाम इंक्लूड्स कंट्रोलिंग वंस ब्रेथ, है ना। तो प्राणायाम जो है इंक्लूड्स कंट्रोलिंग वंस ब्रेथ, ये किसी के ब्रेथ को यानी सांस लेने का जो क्षमता होता है, सांस लेने को सांस को ये नियंत्रित करता है ना। कंट्रोलिंग वंस ब्रेथ यानी ये किसी के सांस को नियंत्रित करता है, कंट्रोलिंग करता है। प्राणायाम में ये चीजें होती है। प्रैक्टिसिंग प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ ब्रीदिंग कैन हेल्प ब्रिंग मोर ऑक्सीजन इन टू द ब्लड स्ट्रीम्स एंड द ब्रेन, है ना। यानी सांस लेने की जो उचित तकनीकी है यानी प्रॉपर टेक्निक्स जो है, और जो प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ ब्रीदिंग यानी सांस लेने की जो उचित तकनीकियों का अभ्यास करने के लिए रक्त और मस्तिष्क में अधिक ऑक्सीजन लाने में मदद मिलती है ना। प्रैक्टिसिंग प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ ब्रीदिंग कैन हेल्प ब्रिंग्स मोर ऑक्सीजन इन टू द ब्लड स्ट्रीम्स एंड देयर एंड द ब्रेन। तो प्राणायाम करने से क्या होता है कि जो है ये जो टेक्निक है उसको अभ्यास करने से रक्त और मस्तिष्क में अधिक ऑक्सीजन लाने में मदद मिल सकता है ना। योगीज बिलीव प्राणायाम इज ए क्रूशियल इन कंट्रोलिंग प्राण और द वाइटल एनर्जी दैट सस्टेन्स लाइफ। ओके, ठीक है। तो योगियों का मानना है कि प्राण को नियंत्रित करने के लिए, है ना, प्राण को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी प्राणायाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राण को बचाने के लिए, जान को बचाने के लिए। ठीक है, प्राणायाम और वाइटल एनर्जी दैट सस्टेन लाइफ। ओके, और जो है यह जीवन को संवारने वाली महत्वपूर्ण ऊर्जा है। इट ऑल्सो गोज हैंड इन हैंड विथ वेरियस आसन्स, है ना। यह विभिन्न आसनों के साथ हाथ से भी जाता है। द यूनियन ऑफ दीज टू योगीज प्रिंसिपल्स इज कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन कवरिंग बोथ माइंड एंड बॉडी। ओके, तो इन दो योग सिद्धांतों को, द यूनियन ऑफ दिस टू योगिक प्रिंसिपल्स इज कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड द सेल्फ डिसिप्लिन कवरिंग बोथ माइंड एंड बॉडी। तो ये जो दो योग हैं, दो योग का जो सिद्धांत है ना, के मिलन को मन और शारीरिक दोनों को ढककर शुद्धिकरण और आत्मा अनुशासन का सर्वोच्च रूप माना जाता है, राइट। प्राणायाम टेक्निक्स आर ऑल्सो इसेंशियल फॉर ए डीपर एक्सपीरियंस ऑफ ध्यान। ठीक है, अब देखिए प्राणायाम जो है वो ध्यान या ध्यान से गहन के लिए अनुभव के लिए प्राणायाम तकनीक की आवश्यकता है ना। इसेंशियल फॉर डीपर एक्सपीरियंस ऑफ ध्यान और मेडिटेशन। प्राणायाम क्लेंस द माइंड बाय ब्रिंगिंग अवेयरनेस अलोंग विद द एबिलिटी टू बी स्टिल, है कि नहीं। प्राणायाम जो है कांस द माइंड बाय ब्रिंग अवेयरनेस अलोंग विद द एबिलिटी टू बी स्टिल।
तो प्राणायाम अभी भी होने की क्षमता के साथ जागरूक लाकर मन को शांत करता है ना। उसके बाद मेडिटेशन इज एन इंस्पिरेशन इन सेपरेबल पार्ट ऑफ योगा, ठीक है। मेडिटेशन इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ योगा, यानी मेडिटेशन जो ध्यान है ना, वो एक अविभाज्य अंग है, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ योगा है, यानी योग का ये एक इनसेपरेबल पार्ट है मेडिटेशन, ठीक है। व्हाइल फिजिकल पोस्चर आर इंपोर्टेंट, इट इज द मेडिटेशन नेचर ऑफ योगा दैट सेपरेट्स इट फ्रॉम ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल लेवल्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, ठीक है। जबकि शारीरिक मुद्राएं महत्वपूर्ण है, यानी फिजिकल पोस्चर जो है वो भी महत्वपूर्ण है। वह योग की ध्यानात्मक प्रकृति है जो शारीरिक गतिविधियों के अन्य सभी रूपों के अलग करती है, ओके। और मेडिटेशन इज द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल लेवल्स ऑफ नेचर्स, और ध्यान जो है हमारे अस्तित्व के सभी स्तरों को, ऑल लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी सभी स्तरों को समझने की कला है कि नहीं। योगा इज ए फिलॉसफी इन्वॉल्विंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सन बीइंग, है ना। योगा इज ए फिलॉसफी इन्वॉल्विंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स बीइंग, यानी योग जो है एक दर्शन है, फिलॉसफी है ये, है ना, जिसमें व्यक्ति के हर पहलू को शामिल किया जाता है। इट टीचेज एन इंडिविजुअल हाउ टू ब्रिंग सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ अवेयरनेस इनटू वंस लाइफ, ठीक है। तो यह एक व्यक्ति को सिखाता है कि किसी के जीवन में आत्म अनुशासन और आत्म जागरूकता कैसे लाया जाए। इट टीचेज एन इंडिविजुअल हाउ टू ब्रिंग सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ अवेयरनेस इन अवेयरनेस इनटू वंस लाइफ, ठीक है। तो यह जो है एक व्यक्ति को सिखाता है कि किसी के जीवन में आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस जो है आत्म जागरूकता कैसे लाया जाए, ठीक है। द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा इज हाउ एवर टू हेल्प एन इंडिविजुअल अटेन इनलाइटमेंट, है ना। हालांकि योग का जो लक्ष्य है एक व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करना है ना। द भगवत गीता सेज, यानी भगवत गीता का कहना है, भगवत गीता कहती है कि ए पर्सन इज सेड टू हैव अचीव्ड योगा द यूनियन विद द सेल्फ वेन द परफेक्टली डिसिप्लिन माइंड गेट्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल डिजायर्स एंड बिकम्स एब्जॉर्ब्ड इन द सेल्फ एलोन। यानी भगवत गीता कहता है कि एक व्यक्ति को योग, स्वयं के साथ मिलन, जब पूरी तरह से अनुशासित मन से सभी इच्छाओं से मुक्ति मिलती है, कहा जाता है, और स्वयं में ही लीन हो जाता है, ठीक है। तो इन दिस वे योर चैप्टर इज एंड। इस चैप्टर को आप लोग पढ़िए और इस चैप्टर के जो भी वर्ड्स मीनिंग है मैं कल आपको लिखाऊंगा पहले, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और तब तक आप लोग इस बुक को जो है सॉरी इस चैप्टर को खुद से फिर से पढ़िए, खुद से रिवाइज करिए। उसके बाद फिर हम लोग इसके वर्ड्स को करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, हैव ए गुड डे।